तू तेरे विरोध में मेरे देने तो देने सामने क्यों ज्यादा तरसावे से, और ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार। ये तरीका पता किनका है? ये तरीका अपने हरियाणा वाले बताए बब्बल से मांगने का। सामने वाला चाहे कोई हो, हरियाणा वाले अपने अंदाज से मांगते हैं। सामने वाला चाहे तीन लोग का मालिक क्यों ना हो, वो अपने अंदाज से मांगते हैं। हरियाणा वाले किसी हरियाणा वाले से किसी ने सवाल कर दिया, भैया हरियाणा वालों आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो, मार कुटाई पे उतर आते हो, ऐसा किस लिए, क्यों ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है? हरियाणा वाले ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हरियाणा वाले ने कहा कि भाई हम लड़े नहीं तो और क्या करें, आप ही बताओ। एक तो जाकर के राजस्थान की धरती खाटू बैठ गया, और दूसरा यूपी वृंदावन में बस गया, तीसरा उज्जैन महाकाल पहुंच गया, और जब लड़ाई करने का समय आया तो हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र अपने अंदर आ गए। तो हम लड़े नहीं तो और क्या करें भाई, हमें तो विरासत में लड़ाई मिली है। इसीलिए हरियाणा वालों के कहीं ना कहीं गुस्सा नाक पे चढ़े ही रहता है। ऐसी बात भी नहीं, हरियाणा वालों में प्रेम प्यार भी बहुत है, प्रेम प्यार भी बहुत है। और एक बात और भी है बाबा, यहाँ प्रेम होता है इंसान को गुस्सा भी वहीं पे आता है, यहाँ प्यार होता है तकरार भी वहीं पे होती है। इसी कड़ी में एक हरियाणा का, अब पंजाब वालों का तरीका अपना भी, पंजाब वाले अपने तरीके से बाबा से मांगते कि बाबा चकते फटे तबते के लिए। कोई पंजाब वालों से कोई ये पूछे ना कि भाई साहब की हाल चाल है, पंजाब वाले पता क्या कहते कि बापे ने फटे चक्के पहने, फटे चक्के बापे। और हमारे हरियाणा वाले अपने अंदाज से कहते हैं, पूरे विश्व भर के अंदर अपना अपना अंदाज है सबका मांगने का। मारवाड़ियों का अपना तरीका है, अब वेस्ट बंगाल वालों का अपना है, दिल्ली वाले सेठों का, मोटे मोटे लालों का तरीका अपना है, वो अपने तरीके से मांगते हैं। अब हरियाणा वाला लाइन में लगा, 8-9 घंटे लाइन में लगे हो गए, ऊपर से हरियाणा का था, गुस्सा नाक पे चढ़ गया। जैसे 13 सीढ़ियां चढ़ करके बाबा की नजरों से नजरें मिली, ना आर देखा ना तार देखा, बस हरियाणा वाले ने जोर से आवाज लगा दी, क्या बाबा बाबा शिवानी वाले एक आवाज लगाएंगे, आपको सारे मिलके बोलो एक बात और बताऊं, ये कीर्तन फॉरेन कंट्री इटली के अंदर भी जा रहा है, ये कीर्तन वो भी काफी सारे इटली के अंदर शाम प्रेमी हैं जो इस कीर्तन को बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब लाज रख लो हरियाणा की, एक बार मिलकर प्यार कह दो बाबा। हाँ, कई बार ना सामने वाले का तेरे का मन नहीं होता कि ऐसे चल जाए काम, बन जाए काम, जल्दी जल्दी से आती हूँ और मैं अपने घर वापिस जाऊँ, और जब ऐसी आवाज लग जाती है तो सामने वाला भी मजबूर हो जाता है कि अब तो भाई सामने वाले बड़े ढीठ बैठे हैं, इससे पहले जाने वालों में से नहीं है, अब जब मांगो तो इस स्टाइल में मांगा करो। यहाँ प्यार होता है इंसान को, गुस्सा भी तो वहीं पर आता है, यहाँ पर हमारा हक होता है ना, उसी को हम हक से कह सकते हैं कि ये मेरा काम बनना चाहिए, ये मेरा काम होना चाहिए। और मिल करके कहते हैं बाबा जी, बाबा कि मैं निर्धन तू से सांवरा, ओ बाबा कि फायदा इस यारी का बता कद ताना खोलेगा बाबा बंद की सुमत। राहुल कहाँ है? राहुल टिकावा से, बहुत छोटी सी उम्र में बाबा श्याम ने बड़ी असीम कृपा की है इस बच्चे के ऊपर, छोटी सी उम्र है और श्याम जगत के अंदर आज बहुत नाम है इसका, श्याम जगत का हीरा है ये, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ बढ़िया स्वभाव, सही मायने में इंसान का स्वभाव मायने रखता है, बहुत प्यारा स्वभाव है, बहुत प्यारे स्वभाव के धनी है राहुल भाई। और आज इन्हीं के निमंत्रण पे मेरा यहाँ आना हुआ है। वैसे तो मेरा झील का कीर्तन था ऑलमोस्ट डन भी हो चुका था, लेकिन भैया बोले कि दीदी मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करके आपको शिवानी में आज आना है। अरे वाह, बहुत जरूरत तारी को जाओ जो ताकत ताड़ा खोलेगा बाबा, बाबा बंद किस्मत हारी का हो, किस किस की बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है, किस किस की बंद किस्मत का ताला बाबा ने खोल दिया है। न हाथ उठे जो नाचना चाहे, वो मस्ती लेते एक साथ,
बता कद ताला खोलेगा बाबा वो किस्मत मारेगा आपकी ओर से आज शिवानी के प्रांगण में छोटे छोटे शाम सकूले नहीं बल्कि बड़े बड़े अना मोना निकल आए। कैसी धुन बजाए आपकी ओर से? एक दो तीन मर्जी इंतजाम करो, एक चमचमाती तो बनती है। जिस पर मैंने अपने बाप से कहे थे कि पापा अब के बाद मुझे एक बढ़िया सी गाड़ी दिला दो, एक बार कह करके देखो कितने जल्दी डिमांड पूरी करता है। अभी मेरा काम आया था, एक भजन आया था ना तो मैंने चेत के चाहिए बिना चस्का लाल पुरानी का आया था ना, किस किस को नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए, जिसको ना चाहिए मेरे को दे देना भाई मैं ले लूंगी, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो बाबा के दरबार से हर तोहफा चाहिए। जीवन दिया है बाबा, जीवन जीने के लिए वो तोहफे हमें आप ही से लेंगे, पड़ोसियों को जाते थोड़े कहेंगे कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, सब कुछ आपको मान लिया है, अब जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी है मानो वो भी आप ही से मांगेंगे। किस किस को चाहिए तोहफा? हाथ उठे और ताली बजाइए।
नजर पे